नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं देख सकते हैं आपको बहुत ही जबरदस्त नोकिया का देख सकते हैं C01 Plus, देख सकते हैं नोकिया की तरफ से C01 Plus का आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। देख सकते हैं ये आपको 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी दे रहा है, देख सकते हैं 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी और 2 ईयर प्लस का सिक्योरिटी अपडेट भी दे रहा है। तो ये फोन मुझे आज बहुत जबरदस्त लगा मार्केट में, तो मैंने आपके लिए आज इसी का अनबॉक्सिंग करने ले आया हूं। ये मिड रेंज में, मतलब सस्ता रेंज में, मतलब मैं बताऊं आपको, जब इसका रेट बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे कि वाह कितना कम रेट का है। ठीक है, ये मैंने जो लिया है ये 2GB 32GB का वेरिएंट है। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख सकते हैं ये है हमारा बॉक्स, मैंने ऐसे खोला, ये देख सकते हैं खाली है। ठीक है, ये है हमारा फोन, ये देख सकते हैं फोन। इसको पहले साइड में रखते हैं, पहले दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हमको लग रहा है कि कुछ, ये देख सकते हैं बैटरी दिया हुआ भाई साहब, मतलब ये खुलने वाला बैटरी सिस्टम है। इसमें देख सकते हैं इनबिल्ट नहीं दिया हुआ है, बैटरी सिस्टम दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ मैनुअल गाइड्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी है मैनुअल गाइड्स इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ चार्जर दिया हुआ है, देख सकते हैं USB पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये आपका 5 वॉट का चार्जर दिया हुआ है। ठीक है, फास्ट चार्जर नहीं है, 5 वॉट का चार्जर है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसको बैटरी को लगा कर फोन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं फोन का डिजाइन, ये देख सकते हैं ये है हमारा फोन, ये देख सकते हैं नोकिया की तरफ से ये है हमारा फोन। ये देख सकते हैं भाई साहब कितना गजब का इसका लुक लग रहा है, देख सकते हैं मैट फिनिश के संग दिया हुआ है ये आपका। जो पीछे साइड में जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ पे जो फ्लैश LED लाइट दिया हुआ है, जैसे फ्लैश के लिए LED लाइट दिया हुआ है। आगे की बात करें तो यहाँ पे आगे में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, फिर इसमें भी आपको फ्लैश लाइट मिला हुआ है, मतलब दोनों साइड में ही फ्लैश लाइट दिया हुआ है। इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि इस रेंज में बहुत ही गजब की है। ठीक है, ये आपका एंड्रॉइड 11 गो एडिशन में काम करता है आपका ये फोन। ठीक है, और FM रेडियो के लिए भी इसमें आपको हेडफोन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बॉक्स में हेडफोन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बात करें लॉक की, तो लॉक सेंसर में सिर्फ इसमें आपको फेस लॉक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बैटरी लगा के आपको दिखाते हैं कि अंदर का लुक कैसा है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने बैटरी लगा लिया है। यहाँ पे आप 2 SIM लगा सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर साइड में देख सकते हैं एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड इसमें आप 128GB तक का लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। ऑलरेडी इसमें 32GB है, तो और आप 128GB तक का लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अब बंद करते हैं। बंद करने के बाद अब हम फोन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फोन को मैंने स्टार्ट कर लिया, देख सकते हैं ये आ गया हमारा पावर्ड बाई एंड्रॉइड गो एडिशन। देख सकते हैं गो एडिशन में ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे नोकिया का यहाँ पे नीचे में आपको ब्रांडिंग देखने से मिलता है। लुक वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फोन, जो इसका मैट फिनिश जो दिया हुआ है ये बहुत ही जबरदस्त इसका मुझे लग रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये नोकिया का आ गया आपका, देख सकते हैं लोगो, देख सकते हैं नोकिया का लोगो आ गया है। ये देख सकते हैं हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं फोन की बात करें तो फोन बहुत ही नॉर्मल काम कर रहा है, पर स्मूथ अच्छा है। अभी नया है बोल के यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट फोन में आपको सब मिल जाएगा, C01 Plus का नोकिया का ब्रांडिंग मिल जाएगा। देख सकते हैं आपको जो नॉर्मल टच फोन होता है उस टाइप का ये दिया हुआ है। बैटरी परसेंटेज है, सब कुछ देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नाइट लाइट दिया हुआ है, वाइट बैलेंस दिया हुआ है, जो भी है सब सिस्टम अच्छा दिया हुआ है। कैमरा की बात करें तो देख सकते हैं कैमरा में जो एक फोटो आपको लेके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप सेटिंग कर लीजिएगा। देख सकते हैं कैमरा भी नॉर्मल सा है, 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया तो और क्या ही देगा। ये देख सकते हैं हमारा ये है कैमरा से लिया हुआ फोटो, देख सकते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कैमरा से लिया हुआ फोटो, फिर भी क्लियर ही आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज ये आपका 7000 के अंदर 2 32 का वेरिएंट मिल जाएगा। इसका और एक वेरिएंट आता है 2 GB और 16GB का, वो आपको 6000 या 6500 के अंदर या 6500 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 32 का वेरिएंट ये आपको 7000 के अंदर में मिल जाएगा बहुत ही आराम से। तो कैसा लगा हमारा ये फोन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिड रेंज में ये सबसे अच्छा फोन मुझे लगा नोकिया की तरफ से, और नोकिया है तो भरोसा तो उस पर है ही। बताइएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।